हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए छोटी की किचन से नई रेसिपी लेके आई हूँ वेज स्प्रिंग रोल की। और इस वीडियो में ही मैं आपको घर पे ही इसकी सीट बनाना बताऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैं बताती हूँ आपको इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ये मैंने मैदा लिया है, 250 ग्राम मैदा है। वेज रोल स्टफिंग के लिए सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी लिया जो कि मैंने बारीक काट के रख ली है। ये मैंने दो गाजर ली थी जो कि मैंने ग्रेट करके रख ली है। ये हरी मिर्ची है, हरा धनिया, शिमला मिर्ची है जो कि मैंने काट के रख ली है बारीक। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो। सबसे पहले हम इसकी सीट बनाने के लिए मैदा का आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ली थी। अब इसमें हम नमक डालेंगे आधा चम्मच, दो चम्मच ऑयल डालेंगे। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको मैदा सूखी सूखी लगे तो इसमें आप और ऑयल मिला सकते हो। अब इसका मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। आटा मैंने लगा लिया, देखिए इस तरह से सॉफ्ट आटा लगाया। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए छौंक लगाना है तो मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया, आधा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर तेल गर्म हो गया है इसमें आधा चम्मच जीरा डालते हैं, दो कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे कटा हुआ, शिमला मिर्ची डालेंगे, जो गाजर हमने ली थी उनको डाल देंगे, पत्ता गोभी को डाल देंगे। अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। गैस को मीडियम स्लो कर देंगे। इसमें मसाला मिलाएंगे अब हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, चाट मसाला, एक चम्मच अमचूर पाउडर। अब हम सारी सब्जियों को गलने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। दो से तीन मिनट हो गए, सब्जी अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। 10 मिनट हो गए मैदा को रखे हुए, अब देखते हैं। देखिए आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसके हम छोटे छोटे लोई बना लेते हैं इस तरह से। इतनी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। इस तरह से मैंने लोई बना के रख लिए। सूखी मैदा लेते हैं और हमें पतली रोटी बेलनी है इससे। देखिए इस तरह से बिल्कुल पतली रोटी बेल के रख लेंगे। एक जैसी बेलनी चाहिए चारों तरफ से, ना कहीं पतली ना कहीं मोटी रहनी चाहिए। देखिए इस तरह से बेली है मैंने ये। इसको हम इधर रख लेते हैं और रोटियां बना लेते हैं हम। इस तरह से सीट बना के रख ली है, आप भी ऐसे बना के रख लें। ये सूखा मैदा है और ये ऑयल है, रिफाइंड ऑयल। अब हम क्या करते हैं, एक सीट उठाएंगे इधर रखेंगे और इस पे हम ऑयल लगाएंगे इस तरह से। अच्छी तरह ऑयल लगा लें ज्यादा से ज्यादा। देखिए मैंने अच्छी तरह ऑयल लगा लिया है। ऐसे ही मैं सब पे ऑयल लगा लेती हूँ सारी सीटों पे। देखिए मैंने चार सीट ली है, चारों पे ऑयल लगा लिया है अच्छी तरह। आप दो सीट भी लेके इनको सेक सकते हैं। अब सूखा वाला मैदा लेंगे हम, उसको इस तरह से लगाएंगे इस पे, सीट पे लगा देंगे सूखा मैदा को। दूसरी सीट पे भी इसी तरह सूखा मैदा ले लेंगे। अब मैंने चारों सीटों पे सूखा मैदा लगा लिया है। अब क्या करते हैं बताती हूँ। इस सीट को उठाएंगे, इसको ऊपर रख देंगे इस तरह से। दूसरी सीट को लेंगे, इसको भी इसके ऊपर सेट कर देंगे इस तरह से अच्छी तरह। अब इस सीट को लेते हैं हम, इस सीट को लेते हैं, इसको हम ऐसे लगाएंगे इसके ऊपर।
इस तरह से देखिए अच्छी तरह मैंने चार सीटों को एक कर लिया है, आप भी इस तरह से कर लें। इनको नॉन स्टिक तवा मैंने गर्म होने रख दिया है, इसको बिल्कुल हल्का गर्म करना है, तेज गर्म नहीं करना है, बिल्कुल स्लो गैस पे गर्म करके और इस पे इस तरह से सीट डाल देंगे। इस तरह से हम इन्हें पलट पलट के सेकते रहेंगे, पलट पलट के सेकते रहेंगे। अगर सीट आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये सीट हमें इतनी सेकनी है, सिक चुकी है अच्छी तरह, गैस को बंद कर देंगे। सीट हमारी सिक चुकी है अच्छी तरह, ऐसे ही मैं सारी सीटों को सेक लूंगी। इसको बाहर निकाल लेते हैं, सीट हमारी तैयार है, अब इनको निकालते हैं। ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं, देखिए इस तरह से निकाल लें आप, ये देखिए। अब क्या करते हैं, एक बाउल में मैदा लेंगे, इसका पेस्ट बनाना है। मैंने मैदा का घोल बना के रख लिया है। अब क्या करते हैं, सीट लेते हैं हम, इस तरह से सीट लेंगे। और हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम मसाला भरते हैं सीट में। अब हम इसमें मसाला रखेंगे ऐसे, सीट को फोल्ड करेंगे इधर से, और जो हमने मैदा का घोल बनाया है इसको लगाएंगे इधर, इधर से सीट को फोल्ड करेंगे ऐसे। ऐसे इधर से फोल्ड कर लेंगे इसे, फिर यहां पर मैदा का घोल लगा लेंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए अच्छी तरह रोल बन के तैयार है। ऐसे ही मैं सारे बना लेती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इनमें मसाला भर के इनका रोल बना लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इधर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया था, गर्म हो चुका है ये। एक एक करके रोल डालेंगे। देखिए रोल अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। वेज स्प्रिंग रोल बनके तैयार है, खाने में बहुत टेस्टी है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाए। आप भी घर पे इसी तरह बना के अपने बच्चों को खिलाएं और एंजॉय करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।